छत्तीसगढ़ का इस साल का पहला त्यौहार कृषि कार्य में जितने भी औजार उपकरण लगते हैं उसकी पूजा की जाती है। हमारे जो पशुधन है, गाय है, बैल है, उसकी पूजा की जाती है और विभिन्न प्रकार के खेल हमारे बच्चे आयोजित करते हैं गौठानों में, मैदानों में, और विभिन्न प्रकार के पकवान, छत्तीसगढ़ी पकवान बनाए जाते हैं और कृषि कार्य संपन्न होने के बाद जो थकान रहती है वो खेल कूद के माध्यम से, मेल जोल के माध्यम से दूर भी करने का है। और ये पहला त्यौहार है हमारे छत्तीसगढ़ का, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी राउत है, पहाटिया है, सभी घरों में जाके नीम के जो डंगाल है उसे घरों में लगाया जाता है, गौशाला में लगाया जाता है, इसलिए कि वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से नीम का अपना महत्व है। एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग होता है, उसे यदि आग में जलाया जाए तो उससे मच्छर भी भगाया जाता है, तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी जागरूकता फैलाने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो बहुत बहुत बधाई इस त्यौहार की, और मुख्यमंत्री निवास में विशेष तौर पर कलाकार भी आए, सभी हमारे मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक संगठन के लोग सब लोग आए और बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ बन पड़ा। सब लोग पूजा अर्चना भी की, सबके हरेली के सबको बधाइयाँ भी एक दूसरे को दिए, तो मैं खूब प्रदेशवासियों को खूब बधाई और शुभकामना देता हूँ। हाँ, अभी वो कार्यक्रम है, देखिए बहुत सफल कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि अभी तक के हम लोग 10,000 गौठानों के चिन्हित कर लिया है, 5,800 गौठान हमने निर्माण कर लिया है और 1,000 से अधिक जो गौठान है वो स्वावलंबी हो चुका है और अभी तक के 100 करोड़ रुपये का अंतरण गौपालकों को किया जा चुका है। 10 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बनाया जा चुका है, जिसमें जहाँ गोबर बेच के गौपालकों को लाभ मिल रहा है वहीं वर्मी कंपोस्ट बना के जो स्व सहायता समूह हैं वो लाभ अर्जित कर रहे हैं और किसान इस साल बड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट अपने खेतों में डाले हैं, तो आने वाला जो फसल अभी से उसका अलग से पहचान दिखाई दे रहा है। जो वर्मी कंपोस्ट जिन खेतों में डाला गया है वो फसल अलग ही दिखाई दे रहा है, तो आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। जब ये फसल जब पक के सामने आएगा नवंबर में तो निश्चित रूप से किसान इससे ज़्यादा प्रेरित होंगे, तो जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे, तो इससे जहाँ हमारे खेतों की सुरक्षा हो रही है, गौ माता की सेवा हो रही है और वहीं स्वच्छता का भी अभियान इसमें शामिल है, इसमें इससे लाभार्जन भी लोग कर रहे हैं और जो गौठान जो बन रहा है अब इसे हम लोग धीरे धीरे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप करेंगे और बड़ी जिम्मेदारी हमारे मंत्रियों की है और नोडल विभाग के मंत्री कृषि मंत्री चौबे जी हैं और सभी वन मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो जितने भी हमारे जंगल हैं आवर्ती चराई योजना लागू करे, वहाँ चारा उत्पादन करे ताकि वो चारा जो होगा उसे सुखाकर उसे फिर अपने गठान में लाएंगे। तो सब लोग मिल के इसको काम कर रहे हैं, तो ये कोई एक विभाग के नहीं बल्कि सारे मंत्रिमंडल के लोग इसमें लग रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग में शहरों में बहुत ज़्यादा गोबर खरीदी केंद्र बनाया गया है और इससे दूसरा जो इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है, अब लोग जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बाद लोगों का रुझान खेती किसानी की तरफ बढ़ा है। हर साल 1-1.5 लाख किसान बढ़ रहे हैं, जमीन भी 1-1.5 लाख एकड़ प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। उसी प्रकार से गोधन न्याय योजना लागू होने के बाद अब डेयरी की संख्या में वृद्धि हो रही है, गौपालन के तरफ लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है, तो जो श्वेत क्रांति है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, पुरस्कार का नाम उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेजर ध्यानचंद जी पूरे हिंदुस्तान के नायक, हॉकी के बड़े खिलाड़ी, आइकान रहे हैं, सब उससे प्रेरणा लेते हैं। उसके नाम से कोई बड़ी घोषणा करनी थी प्रधानमंत्री जी को। ये राजीव जी के नाम से जो खेल रत्न पुरस्कार था उसको बदला गया है, मतलब क्षुद्र मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया। उसके नाम से बड़ी घोषणा करनी थी, उसे कौन रोकता है, लेकिन जो पहले से जो खेल रत्न
पुरस्कार दिया जा रहा था उसको नाम बदल के किया जाना, मतलब ये क्षुद्र मानसिकता है। सर, ये रेडियो वार्ता में आपने जी और अमली पदर की भी मांग की जा रही थी लोगों द्वारा, लेकिन इसको बनाया नहीं गया। वो भी करेंगे वैसे, जैसे जैसे डिमांड आ रही है। देखिए, प्रशासनिक इकाई जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा कसावट आएगा, लोगों को उतनी सुविधाएं होगी, क्योंकि हमारे 44% जंगल है और 10,000 जो गांव है वो जंगल से 5 किलोमीटर की दूरी में ही आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो तहसील कार्यालय की जो दूरी है वो किसानों के लिए ज़्यादा ना हो, इसलिए इसको हमने विकेंद्रित किया है और जहाँ आवश्यकता होगी वो सबको करेंगे। धन्यवाद। खंडन भी आ चुका है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम त्यौहार हरेली त्यौहार की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हरेली का त्यौहार सभी छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण हो, यही मेरी शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।